ये है मेरी मम्मी। वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। एंड हम लोग बना और मम्मी बनाने जा रही है, हम लोग नहीं, लौकी का खीर। तो लौकी ले आया, अभी लौकी को काट रही है, देखिए आप। और आपको ये देख के बहुत पसंद आएगा, बिकॉज इट्स ए यूनिक रेसिपी, इट्स वेरी गुड फॉर द स्टमक। और ये लौकी कटिंग प्रोसेस चल रहा है, जो कि मुझसे आज तक हुआ ही नहीं। मैं सब्जी काट भी नहीं पाया, बना भी नहीं पाया। आप लोग अगर सब्जी काटते हैं, बनाते हैं, खुद से खाना बनाना आता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। और इसको अभी श्रेड करेगी मेरी मम्मी, ग्रेट रादर, ग्रेट कर रही है ग्रेटर से। और ये देखिए अब ग्रेटिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ग्रेटिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ग्रेट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करने वाली है ये दिखाते हैं आपको। अब इसके बाद लौकी का दूसरा पार्ट काटा जा रहा है, उसे भी शायद ग्रेटिंग ही करेगी। बस पूरे लौकी को ऐसे ही काट के ऐसे ही ग्रेट करना है। और मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। और वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये देख रहे हैं आप, लौकी को अभी धोया जा रहा है, मतलब इसे पानी डाला जा रहा है, धोया नहीं जा रहा है, आई एम सॉरी। लौकी को तो पहले ही धो दिया गया है, और इसको अभी बॉईल करने के लिए डाला गया है। अभी मेरी मम्मी गैस ऑन करेगी, पूरा लौकी ग्रेट हो चुका है, अब इसको बॉईल किया जाएगा। और उसके बाद का प्रोसेस दिखाते हैं। पहले गैस तो ऑन कर लीजिए मम्मी जी। और गैस ऑन हो चुका है, अभी लौकी बॉयल होगा। और ये बॉयल होने में कितना टाइम लगता है? और ये बॉयल होने में मम्मी कह रही है कि 10 मिनट का टाइम लगता है। और उसके बाद का प्रोसेस जैसे ही बॉयल होके उबलता है, और फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। और इसको ढक दिया गया है, और फिर बॉयल होके जैसे उबलता है दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद। और ये देखिए बॉईल हो चुका है, और बॉईल होने के बाद मैं थोड़ा वीडियो को पोर्ट्रेट में करता हूँ। इससे पानी को छानना पड़ेगा छाननी से। और ये है बॉईल होने के बाद, पानी छानने के बाद का स्टेटस देखिए। ये लौकी ऐसे हो जाती है। अब इस लौकी को कढ़ाई में पता नहीं क्या करने वाली है मम्मी। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ। और इसको और प्रेस कर रही है लौकी को, पानी को और छान रही है। पानी का निकलना बहुत जरूरी है। तो देखिए पानी मुझे लगता है कि हो चुका है छानना। इसमें जितना भी पानी रह जाए आपको पूरा छानना पड़ेगा, चाहे आप छाननी से छानिए, और छाननी के बाद भी प्रेस करके थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो उसको छान दीजिएगा। और ये लौकी है, पूरा पानी छानने के बाद ऐसे स्टेटस में आता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है?
सेंटीमीटर से को। अब इसमें घी डलेगा एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चार चम्मच, पांच चम्मच, मुझे लगता है पांच चम्मच घी डला है इसमें, और थोड़ा और डलेगा। जिनको घी पसंद है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो अराउंड 6 टेबलस्पून आप घी इसमें डाल सकते हैं, टीस्पून रादर। अब ये घी क्या हो रहा है, घी बॉईल हो रहा है, घी गर्म हो रहा है, सॉरी। और इसमें अभी लौकी को डाल दिया जाएगा। ये देखिए लौकी को डाल दिया गया है घी के अंदर, घी जो गर्म हो चुका था। अभी इसको थोड़ा स्टेयर फ्राई कर रहे हैं घी के साथ। घी के साथ थोड़ा स्टेयर फ्राई किया जा रहा है, और आपको जूम इन करके दिखा देते हैं। और ये कब तक स्टेयर फ्राई करना पड़ेगा? 5 मिनट तक। मम्मी कह रही है स्टेयर फ्राई करना पड़ेगा इसको। तो स्टेयर फ्राई होने के बाद क्या होता है वो दिखाते हैं आपको 5 मिनट बाद। थैंक यू। इसमें अभी दूध डल रहा है जिसको पहले बॉईल किया गया है। 2 अमूल दूध का पैकेट लाए थे हम लोग, उसी को डाला गया है इसमें। और इसमें अमूल्य पाउडर भी डाला जा रहा है 1 पैकेट, ताकि टेस्ट एनहांस हो सके। और अभी ये प्रोसेस क्या कंप्लीट हो चुका है? चीनी दे। और इसमें चीनी डलेगा अभी, सॉरी। ये देखिए बन रहा है। ये 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पर चीनी डाला गया है इसमें, और थोड़ा सा और, क्योंकि 2 लोगों के लिए बन रहा है सुबह और रात के लिए, क्योंकि आज एकादशी है, हम लोग कुछ और खाएंगे नहीं। और इसमें अभी डलेगा इलायची। और इलायची को ऐसे पीस के थोड़ा सा उसका मुंह खोल के ऐसे डालिए इलायची इसमें, ताकि इलायची का टेस्ट भी आए और एक स्मेल आए इलायची का, बढ़िया एक सेंट आए, अरोमा आए, फ्रेग्रेंस आए। पिंच लोगों को, और एक पिंच सॉल्ट, बस 1 पिंच सॉल्ट, इससे ज्यादा नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। टेस्ट तो आलू, और ये टेस्ट अच्छा होगा मम्मी कह रही है इससे। और कुछ डलेगा इसमें? काजू किशमिश, काजू ना है। और इसमें काजू किशमिश डल रहा है, काजू पहले ही डाल दिया गया था और किशमिश डाला है अभी एकदम जब सूखा जाएगा तो हम इसे डालेंगे बिल्कुल। और ये मम्मी कह रही है जब एकदम सूख जाएगा ये तभी इसको उतारना है, तो आपको दिखाते हैं। और ये कितना टाइम लगेगा सूखने में? तो ये 10-15 मिनट में मुझे लगता है सूख जाएगा। ये देखिए अब बॉईल हो रहा है, तो 10-15 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं कि ये सूखने के बाद कैसा होता है और इसका टेस्ट कैसा है, आपको करके बताते हैं। थैंक यू।
और ये देखिए थोड़ा सा बॉईल होने के बाद इसको स्टेयर करते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा बहुत बीच बीच में आपको स्टेयर करना पड़ेगा। थोड़ा अंधेरा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद इसमें लाइट की कमी है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अभी आप देखिए थोड़ा सा स्टेयर फ्राई, मतलब स्टेयर फ्राई नहीं सॉरी स्टेयर किया जा रहा है इसको, और ये नहीं तो लौकी नीचे बैठ जाएगा। और ये बॉईल होके ऐसा हो रहा है, और पूरा जब ये बन जाएगा तब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पार्ट में और टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगता है। आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज, थैंक यू। और ये देखिए लौकी का खीर बनके तैयार हो चुका है, और इसको हम अभी थोड़ी देर में टेस्ट करके बताते हैं कि अभी तो बहुत गर्म है तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, टेस्ट करके बताते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। और देख के आप लोगों को कितना डिलीशियस लग रहा है, इससे एक अरोमा आ रहा है, फ्रेग्रेंस आ रहा है, घी का, इलायची का, काजू का, किशमिश का, वो फ्रेग्रेंस आ रहा है, और इसका टेस्ट मतलब आपको आएगा जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा। गर्म गर्म में आपको टेस्ट शायद उतना ना आए जो मम्मी कह रही है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में जब ये हम लोग टेस्ट करेंगे। आप लोग देख के बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। दिस इज लौकी का खीर, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें घी, काजू, किशमिश, इलायची और लौकी डाला है, जो लौकी पेट के लिए वैसे ही अच्छा है। तो बाकी आपको दिखाते हैं खाके, खाने के बाद कैसा टेस्ट हुआ है कैसा नहीं हुआ है वो हम आपको बताते हैं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। ये है मेरी बीवी जो लौकी का खीर टेस्ट करने जा रही है और आपको बताएगी टेस्ट कैसा है। और काजू किशमिश इलायची का फ्लेवर आ रहा है आपको, बहुत आ रहा है, काजू स्मेल आ रहा है घी का, ये देखिए किशमिश काजू सब दिया हुआ है, और मुझे तो बहुत टेस्ट आ रहा है। आप लोग भी बना के घर में खाइएगा, दिस इज यूनिक रेसिपी जो मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है, और आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगा ये वाला लौकी के सब्जी, और प्लीज सब्जी नहीं सॉरी लौकी के खीर, लौकी का खीर, और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, हम लोग लौकी का खीर बुलाते हैं। और आप घर में ट्राई कीजिए, जैसे मेरी बीवी ने बताया ये एक यूनिक रेसिपी है जो पेट के लिए भी बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और मेरी बीवी मेरे को स्पून खिला रही है, इट टेस्ट सो गुड यार, इट टेस्ट सो गुड, यम्मी एकदम यम्मी। आपको पता ही नहीं चलेगा आप लौकी का खीर खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, बस प्रोसेस मेकिंग में ध्यान दीजिए जो आपको वीडियो में दिखाया है, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। सबके लिए मैं दुआ करता हूँ सबका जिंदगी मंगलमय हो, थैंक यू।